अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रूफटॉप गोट फार्मिंग। और क्या हाल है सबका? आज मैं डिस्कस करूँगा कि अगर आपका हवाना है उसमें मस्टाइटिस का इशू आ रहा हो या हवाना अगर सख्त हो जाए, थन जो है सख्त हो जाए, तो उसका क्या इलाज किया जा सकता है। जी तो ये बकरी अभी मैं लेके आया हूँ, ठीक है, अभी एक दिन ही हुआ है इसको लाए हुए। तो ये चीज़ उधर ही मुझे पता लग गई थी, मैंने इसका जो थन है वो पकड़ के चेक किए थे, तो जो इस साइड वाला थान है जो भी नज़र आ रहा है ये काफ़ी जो है ना हार्ड फील हो रहा था, जिस तरह आप कह लें कि रबड़ होता है या पट्टे फील हो रहे हो जिस तरह उसके अंदर। तो जो दूसरा थान था वो नरम था। तो अभी मैं पकड़ के भी दिखाता, लेकिन मसला ये है कि बकरी जो है ना अभी हाथ लगाने नहीं दे रही है। तो उसमें इशू ये है कि उसका अगर इलाज ना किया जाए तो थान मुकम्मल तौर पर बंद हो सकता है, ठीक है। तो उसका हल जो है, फिर मैंने मशवरा वगैरह किया है अपने दोस्त अहबाब से, तो पता जो लगा है फिर उसके साथ मैंने इम्प्लीमेंट किया उसको। तो आज जो है इसका हवाना कल के नस्बत काफ़ी बेहतर हो गया, आप कह लें कि 70% कम अज़ कम बेहतर हो गया। तो अभी इसका ट्रीटमेंट मज़ीद मैं करूँगा, लेकिन ये कि इसमें यकदम सारी चीज़ें आप नहीं दे सकते हैं, इसलिए बकरे वक्रे से ये ट्रीटमेंट किया जाता है। और इसमें एक और चीज़ ये है कि ये जब जानवर सूआ ना हो उस टाइम ही आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जब सू जाएगा उसके बाद ही ट्रीटमेंट इसका नहीं किया जाता। तो जो ट्रीटमेंट किया है वो मैं क्लिप ऐड भी कर दूंगा, वो बेसिकली मैं सुबह कर चुका हूँ, और उसका रिज़ल्ट जो है ना मुझे 6 से 8 घंटे बाद ही पता लगना शुरू हो गया था, फील हो रहा था। तो हवाना जो है वो नरम हो गया था काफ़ी हद तक, और जो उसमें सख्त रबड़ सा कुछ फील हो रहा था पट्टा, वो काफ़ी कम रह गया। तो इलाज उसका बड़ा सिंपल है। तो इलाज में ये है कि आपने तकरीबन आधा पाओ के करीब लीमू ले लेने हैं और आधा पाओ ही तकरीबन चीनी ले लेनी है। तो लीमू को बारीक काट के 4 हिस्सों में करके चीनी उसमें मिक्स करके आपने खुले आसमान के नीचे उसको रख देना है, किसी खुले बर्तन में डाल के प्लेट वगैरह में प्याली में, और अगली सुबह आपने जानवर को जो है ना वो खिला देने हैं। तो ये ट्रीटमेंट अभी तक मैंने इसका किया है। मज़ीद इस पे अगर मैं सुबह तक देखूंगा, अगर तो ये ठीक हो गया तो वेल एंड गुड, नहीं तो इसको मज़ीद थोड़ा सा बेहतर किया जा सकता है। तो उसके लिए जो भी चीज़ मैं करूँगा वो भी मैं इस शेयर कर दूँगा आप लोगों के साथ, और इसका काफ़ी जो है ना अच्छा रिज़ल्ट मैंने देखा है। जिस तरह मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि मैं 70 से 75% जो है ना ये ऑलरेडी क्लियर कर चुकी है अपने थन को। बाकी बकरी जो है तकरीबन पूरी तैयार है, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि डिलीवर जल्दी कर लेगी। मैंने इसको बेचने के लिए भी लगाया हुआ है, उसकी वजह ये है कि ये एग्जैक्टली मेरे जो मेरा सोचा हुआ था उस तरह की बकरी नहीं है। तो अगर ये थोड़ा मुनासिब पैसों में बिक जाती है तो मैं इसको बेच दूंगा। जी तो बकरी को मैं अंदर बंद करने लगा हूँ, इधर से थोड़ा साफ़ करके थोड़ा सा जगह बना दी है मैंने। तो अब ये है कि हवाना उसका काफ़ी हद तक क्लियर हो गया है, सिर्फ कह लेंगे 10% से भी कम जो है ना मसला उसमें नज़र आ रहा है जितना पहले था उसके नज़र। लेकिन एहतियातन ये इंजेक्शन मैं इसको लगाने लगा हूँ, ठीक है, जेंटामाइसिन सॉल्ट है ये। तो ये क्या है कि एंटीबैक्टीरियल है, कोई हल्का फुल्का कोई मसला इस तरह का अगर हवाने में रह जाएगा तो उसको ये मुकम्मल तौर पे हल कर देगा। तो बाकी आप लीमू और चीनी जो मैंने पहले दी थी ये भी हम दे सकते हैं, तकरीबन 3-4-5 दिन दे, कोई इसका इशू नहीं है, ठीक है। इसके अलावा एक और भी होता है, इसके ऊपर बल्कि मैं एक नई वीडियो बना दूंगा जिस पर सिर्फ इसके जो मतलब टोटके मुझे पता लगे हैं, जो दवाइयां पता लगी हैं वो मैं जिक्र करूंगा उसमें। बहरहाल फिल वक्त मैंने डॉक्टर के मशवरे से जो है ना इंजेक्शन लगाने लगा हूँ, वो कह रहा है कि ये लगा लें ज़्यादा बेहतर है, जो है ना शक की जगह जो है ना फिर ख़त्म हो जाती है। तो ये 2 ml या 3 cc के करीब बनेगा, तो ये मैं उसको लगाने लगा हूँ। गोश्त के अंदर आपने लगाना है। जी तो इसके हवाने का मसला मुकम्मल तौर पर ठीक हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। आज सुबह मैंने एक दफ़ा फिर इसको लीमू और चीनी दे दी थी, ये 3 से 5 दिन आप इस्तेमाल करवा सकते हैं, लेकिन लीमू थोड़े ठंडे भी होते हैं, इसलिए एहतियातन मैं सिर्फ 2 दिन ही दिए, और एक इंजेक्शन मैंने जो कल लगाया था। तो अब हवाना मुकम्मल तौर पर ठीक हो गया। जी तो लीमू से और जेंटोमाइसिन से काफ़ी हद तक मसला हल हो गया था इसके हवाने का,
लेकिन फिर भी अभी थोड़ी सी बिल्कुल एंड पे जो टिप रह जाती है वहाँ पे इशू लग रहा है, कोई अंदर वर्म है या कोई पट्ठा सा है, जिसकी वजह से थोड़ी सी ये दर्द भी फील करती है अगर उसको हाथ लगाया जाए। तो एक और देसी टोटका जो मैं इसको देने लगाऊँ वो ये है। तो इसको बनाने की जो क्लिप है वो मैं ऐड कर दी अंदर ही। इसमें एक छोटा गंडा आप कह लें लहसुन का, और थोड़ा सा दूध अंदाजे से, और उसके अंदर थोड़ा सा गुड़ और चीनी मिक्स की भी मीठा करने के लिए। तो ये आपने एक खीर सी बना लेनी है, और जब ये ठंडा हो जाए तो हम इसको खिलाएंगे। तो अभी मैं इसको खिलाने लगाऊँ, ये तैयार है। तो देखते हैं कि ये खुद ही खा लेती है या इसको किसी और तरीके से देना पड़ता है। तो ये भी जो है साड़ू या गेड़ी उसके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होती है। और आप लोग देख सकते हैं कि इसने जो है ना हवाना भी अपना बनाना शुरू कर दिया है, दूध उतरना शुरू हो गया वह। जी तो ये देखें कि ये खा रही है इसको खुद ही। तो लहसुन भी बहुत अच्छा एंटीबैक्टीरियल होता है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय से ज़रूर आगाह करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और साथ ही साथ ये भी बताएं कि सिर्फ एक इसी टॉपिक पे एंगियाड़ी की बीमारी के ऊपर, इसकी अलामत, इसकी वजूहत और इसके इलाज, इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँ या ना बनाऊँ, उस वीडियो में टू दी पॉइंट बात होगी। इसमें ये एक्सपेरिमेंटल वीडियो थी, ठीक है, इसमें आपको मैंने तजर्बा करके दिखाया है। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है, ऑफ टॉपिक भी हो जाती है, तो वो वीडियो टू द पॉइंट होगी। और ये लाजमी बताइएगा कि वैसी वीडियो बनाऊँ या इसी तरह की वीडियोस बनाया करूँ। चलें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।